दोस्तों, हमने अभी काफी विस्तार में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेशन को समझ लिया है, लेकिन अभी ये श्रृंखला जारी रहेगा क्योंकि अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि किन हालात में, किन शर्तों की पूर्ति पर ही हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा भारत सरकार से, और इसीलिए हम ये योग्यता की शर्तें अभी विस्तार में समझेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट की योग्यता की शर्तें चालू होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेशन के साथ। एक कारोबार इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेशन करता है, जो अभी हमने विस्तार में समझा है, और वो ये क्लेम करता है सरकार से, और इस क्लेम को सरकार के साथ दर्ज करने का माध्यम है आपके कारोबार का मंथली रिटर्न। मंथली रिटर्न में हर महीने कारोबार को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम सरकार के साथ दर्ज करना पड़ेगा। फिर आएंगे अगले कदम, सरकार उस मंथली क्लेम की समीक्षा करेगी। सरकार ये देखेगी कि क्या योग्यता की सारी शर्तें पूरी हुई है, संतुष्ट हुई है, और अगर इस सवाल का भी जवाब हाँ निकला तो फिर सरकार आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बही खाते में, आपको आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड जमा कर देगी। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और योग्यता की इन सारी शर्तों को, इन तमाम शर्तों को एक एक करके समझ लेते हैं। आने वाले वीडियोस में हम एक एक योग्यता की शर्त को समझने वाले हैं विस्तार में, और इसीलिए अभी हम इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आप ज़रूर ये खुद ही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि बहुत सारी शर्तें हैं और बहुत सारे प्रकार की शर्तें हैं, और इसीलिए इन सारी शर्तों को याद रखना थोड़ा सा कठिन काम है, मेहनत का काम है। पर घबराइए मत दोस्तों, क्योंकि हम इन सारे प्रकार के शर्तों को परख कर ये कह सकते हैं कि इन शर्तों के तीन मुख्य कारण हैं। तो आइए पहले उन तीन मुख्य कारणों को समझ लेते हैं। कारण एक, ऑडिट ट्रेल, मतलब कि लेखा सत्यापन। सरकार को ये जांच करनी है, निगरानी करनी है कि जो पैसे मांगे जा रहे हैं कारोबार से, वो सचमुच सही है, जायज है। कारण दो, कोई दुगना लाभ नहीं मिलना चाहिए। सरकार का ये दायित्व है ये तय करना और ये देखना कि ऐसे कोई कारोबार नहीं है जो कि जीएसटी की कर व्यवस्था का गलत इस्तेमाल करके दुगना लाभ कमा लेते हैं। और कारण तीन ये है कि सरकार का ये भी दायित्व है कि जीएसटी की प्रक्रिया अच्छे समय से चले, कि किसी भी कारणवश ज़्यादा विलंब ना हो, देरी ना हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में अगर कोई भी विलंब आ जाता है तो सारे कारोबारों के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को बहुत ही हानि पहुंच सकती है। तो दोस्तों, ये तीन मुख्य कारण हैं इन सारे योग्यता शर्तों का, और इन तीन मुख्य कारणों के सहायता से हम इस योग्यता शर्त की सूची को आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे लीजिए, कारण दो यानी कि कोई दुगना फायदा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कारोबार पहले से डिप्रिसिएशन का लाभ उठा रहा है तो उसी खर्चे के ऊपर उस कारोबार को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलना चाहिए।